हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर इन द स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम पे। वी आर डूइंग 365 डे चैलेंज जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन एंड डेंटिस्ट्री। हालांकि आजकल जो वीडियोज़ आ रही हैं वो कोरोना वायरस से ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में हमारे साथ ये आजकल हो रहा है, इससे बात ना करना भी सही नहीं होगा। तो ये जो वीडियो है ये कोरोना वायरस पे इसलिए है क्योंकि कल रात से अगले 21 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन है, कर्फ्यू है। तो हम लोग घर पे रहने वाले हैं, हमें कोई काम करना अलाउड नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। हालांकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खुली रहेंगी और रिस्पेक्टिव सिटीज़ में टाइम दिया गया है कि उस टाइम पे आप बाहर आके उस ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगले 21 दिनों तक 14 अप्रैल तक आपको घर के अंदर ही रहना है। तो आपने अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए और घर पर रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। अगर आपको जाना पड़ रहा है तो वापिस आते ही पहले अपने हाथ धोइए और ट्राई करें कि आप इस तरह का इन्फेक्शन अपने घर ना लाएं और अपनी फैमिली को सेफ रखें। दूसरी बात डेंटिस्ट्री की बात करते हैं तो मेरा क्लिनिक बंद है, आज थर्ड डे है। और ऑल्दो जो मुझे इमरजेंसी कॉल आ रही है मैं अटेंड कर रहा हूँ। लास्ट वीक हमने एक इम्प्लांट केस करा था, तो जो उसकी अपडेट है मैं फ़ोन पे डेली ले रहा हूँ पेशेंट से। उसके अलावा जो मुझे कॉल आ रही है मैं अटेंड कर रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ कि वो मेडिसिन ले लें तो ठीक हो जाएंगे, उनके सिम्टम्स मैं डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इस टाइम सही नहीं रहेगा कि हम किसी भी डॉक्टर हॉस्पिटल या क्लिनिक पर जाएँ, बिकॉज दैट माइट यू नो डेंजरस अभी जो हालात चल रहे हैं। दूसरा जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी चीज़ जो मैं रिसर्च कर रहा था अभी, कि साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने इस वायरस से लड़ने का जो तरीका है बड़ी अच्छी तरह ढूंढा है। ड्राइव थ्रू कोरोना वायरस टेस्ट हो रहे हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं बहुत सारे लोग एक साथ, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उस चीज़ को टैकल करने के लिए साउथ कोरिया ने क्या किया है कि ड्राइव थ्रू कोरोना वायरस टेस्ट बना दिए, जहाँ पर लोग गाड़ियों में आ रहे हैं और उसको 2-3 स्टेजेस में बांटा गया है। तो आपको गाड़ी रोकनी है, गाड़ी में आपके बैठे बैठे ही आपका टेस्ट कर देंगे। उस तरीके से डॉक्टर्स भी सेफ हैं, जो पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सेज हैं, वो भी सेफ हैं, और जो पेशेंट्स हैं अगर वो उनको वायरस है तो उनका फैलाने का चांसेस बहुत कम है, वो वहाँ से ही आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं। तो उस तरीके से जो लाइफ है लोगों की वो भी इतनी इफेक्ट नहीं हो रही, बिकॉज वहाँ पे कंप्लीट शटडाउन नहीं हुआ, इवन दो वहाँ पे इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट कैसे हैंडल कर रही है, हमारी गवर्नमेंट को ये सीखना चाहिए। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि हमें आइसोलेशन का आगे जाके दिक्कत आने वाली हमारे देश में, हमारी जो रेलवे है वो कम्प्लीटली शटडाउन है, ट्रेन हमारी चल नहीं रही है। अगर हम उस ट्रेन के कैबिन को, जो ट्रेन के डब्बे होते हैं उनको हम आइसोलेशन यूनिट में कन्वर्ट कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज एक ट्रेन में, एक ट्रेन के डिब्बे में स्लीपर की बात करूँ मैं तो 70 सीटें होती हैं, और हम उसको आइसोलेशन भी बनाएं तो तभी हम उसमें ज़्यादा नहीं, तो कम से कम 10-15 लोग तो रख ही सकते। तो एक हॉस्पिटल का जो, नए हॉस्पिटल बनने का जो खर्चा है और वो टाइम नहीं है हमारे पास, वो कोप अप हो सकती है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर हाथ धोएं। बाकी इन दिनों में टाइम पास करने के लिए आप क्या कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आप नेटफ्लिक्स देखो, आप हॉटस्टार देखो, आप कुछ भी देखो, जस्ट बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ। And with this, I'm signing off. This is Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio. And see you tomorrow.